अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वहाज एंड यू आर वाचिंग DWAQ। मैं आपको सबको वेलकम करता हूँ आज के न्यू ब्लॉग में। और मैं इस वक्त जहाँ से चल रहा हूँ बहुत खूबसूरत ट्रैक है, आप लोगों ने देखा होगा। और ये ट्रैक है फैमिली बी पार्क का, जो कि DHA 2 के अंदर है। यार मैं तो घुस के ही हैरान हो गया, लाइक बहुत प्यारा पार्क बनाया हुआ है यार हम लोगों ने, बहुत मज़े का। और मुझे सबसे जो अच्छा इनका लगा है ना, ट्रैक लगा है, जो ट्रैक है तकरीबन वो 850 मीटर का है, लेकिन क्या ट्रैक है यार, मज़ा आ जाता है। तो दस्ती 850 मीटर करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जिम है और ये बास्केटबॉल कोर्ट है। और देखो जल्दी जल्दी से मैंने 100 मीटर कर लिया है, जा रहे हैं अभी आस्ता आस्ता, निकल रहे हैं, तेज़ हो रहा हूँ, मेरे कदम तेज़ हो रहे हैं ना। मेरे बिल्कुल अकब में बैडमिंटन कोर्ट है जो इंडोर है, और वो भी इसी पार्क के अंदर है। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सुबह का टाइम है। और डेफिनेटली आपको पता है मैं तो ड्यूटी पे निकलता हूँ, और जिस एरिया में जाना होता है मुझे, तो मैं उस एरिया का पार्क आप लोगों को ज़रूर दिखाता हूँ कोई एक ना एक। तो इस वजह से मैं सोचा क्यों ना, मेरे लेफ्ट पे आ रहा था तो मैंने कहा यार आप सबको भी दिखाया जाए ना। 200 मीटर हो चुका है और टोटल ये है 850 मीटर। तो हम चुटकी में करेंगे क्योंकि मैंने टाइम दिया हुआ है और जल्दी जल्दी पहुंचना है। ये बच्चों के लिए झूले वगैरह और उसी के साथ ये सीधा सीधा ट्रैक। तो यहाँ पे आके 450 होता है, 450 मीटर। और इन 450 मीटर्स में आपका भाई टोटल 4 मिनट में चला है। चल रहा हूँ, तेज चल रहा हूँ, ये तो वीडियो में थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, जॉगिंग नहीं कर रहा और रनिंग भी नहीं कर रहा, बस तेज चली जा रहा हूँ। कीप योर पार्क क्लीन। सो समझ तो गए होगे, दिस इज फैमिली पार्क कैफे। और ये मस्जिद बन रही है इस तरफ, और साथ कैफे है। ये पार्क अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब कुछ काम रहते हैं, लेकिन इसका जो ट्रैक है ना, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ट्रैक आए है, बहुत प्यारा ट्रैक बनाया हुआ है इन्होंने। और ये वॉशरूम है लेडीज़ और जेंट्स, और ये भी वो केबन वाले बनाए हुए हैं, लेकिन ठीक है। तो मैंने तकरीबन 6 मिनट्स में यस कवर कर लिया है जो मुझे कवर करना था। अब मैं बैठ चुका हूँ बाइक पे और आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, थोड़ा स्पीड में जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। ओके जी, दसो की बन रहा है, जो बंदा बताएगा ये क्या बन रहा है उसको मुफ्त में दिया जाएगा, उसको मुफ्त में दिया जाएगा। हाँ जी, सच्ची बात है, मैं खड़ा हूँ इस वक्त नेवल इनकरेज के बिल्कुल सामने। ये रोड नेवल इनकरेज की तरफ जा रही है और मैं आ रहा हूँ नवाद वाली साइड DHA से, और मैं खाने लगा हूँ भाई ठंडा ठंडा फलूदा, क्योंकि गर्मी है और गर्मी में प्यास लगती है, और प्यास में आप ठंडी चीज़ खाएं तो आपकी प्यास मिट जाती है, वैसे ही कह रहा हूँ यार। ये देखो बड़ी बीच में कुल्फी शुल्फी डली है भाई, खोए वाली कुल्फी डली है इसमें हैं, तो अब ये बन जाएगा कुल्फी बलूदा, आए हाय हाय। तो भाई जान डा रहे हैं भाई, क्या चीज़ जी अब, हाँ हाँ हाँ, इसको कहते हैं जुए, नहीं तो मलंगा, यस फलूदा तैयार जे, खाना से आ जाओ फलूदा तैयार में। यार बहुत गंदे वाला थक चुका हूँ वैसे मैं, मतलब सुबह मैंने स्टार्ट लिया था DHA से और अभी मैं घूम रहा हूँ F11 में, तो बस हो गया यार आज तो कसम से, इतनी कोई फटीग हुई है, इतनी फटीग हुई है मैं आपको बता नहीं सकता। और अभी ऑलमोस्ट टाइम जो है वो 3:15 का हो रहा है, और मैं जो है इस वक्त F11 से गुजर रहा हूँ, ये भी एक मौजा से कम नहीं है वैसे।
तो चलो अब आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलता कुछ नहीं है यार, ये सबसे बड़ा मसला है। ये एक सब्जी की शॉप है, यहाँ पे भाई को बोला है कि यार मिल्क शेक बना कर दो, क्योंकि प्यास भी बहुत लगी हुई है, खाया पिया भी कुछ ज़रूरी है इसके लिए कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ जी? नहीं कह रहा, जूस यार बड़े मज़े का बना के दिया है, या पता नहीं मुझे प्यास ज़्यादा लगी हुई है, पता नहीं क्या चक्कर है। पन्ना जो होंडा है ना वो है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास सुजुकी है वो सामने खड़ा है। तो अब निकल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं घर की तरफ, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है ना यार, और भी बहुत से काम करने होते हैं यार। सुबह से मैं इतना मसरूफ़ हूँ मैं तो भूल ही गया हूँ कि भाई मैं व्लॉगर भी हूँ। अभी मैं कोई अडियाला जहर के पास आया हुआ था, यहाँ पर फैशन किया है, और सुबह से ही मतलब चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है, लेकिन सुबह से बस यही काम लगा हुआ है, तो इस वजह से बस रोले थी गए ने ना। तुम नाराज नाराज से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की, हम जिंदगी अमानत रख देंगे, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। आ हा 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 हा। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह तो पढ़ी, अभी फिर इशो हो गई है, अभी जाते हैं नमाज भी पढ़ते हैं। और बहुत मसरूफ़ दिन रहा, अभी बस किसी तरह अभी फ्री हुआ, और देखो इशा हो रही है, सुबह का निकला हुआ हूँ। तो आज की वीडियो आपके लिए थी स्पेशल, देखी होगी आप लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखी और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर आप लोग करना मत भूलिएगा, कमेंट में आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।